तो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में योग्य ट्रिपल एससी ने बीडीओ बीपीडीओ समीक्षा अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती निकाल दी है। इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी सुपरवाइजर डाटा ऑपरेटर समेत कई पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके लिए विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 24 दिसंबर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा वो 10 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख लेते हैं किन किन पदों पर बंपर भर्ती निकली हुई है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर जाकर के यूके ट्रिपल एससी टाइप कर लेते हैं और फर्स्ट में आपको यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर आया है समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे हमने पहले डाउनलोड कर लिया, फिर भी यहाँ पर डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे 6 नवंबर आज की डेट पड़ी हुई है और विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए समूह ग के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाज सहायक समाज कल्याण अधिकारी छात्रावास अधीक्षक उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी सूचना लोक संपर्क अधिकारी संवीक्षक संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो देख सकते हैं सुपरवाइजर बहुत सारे पद हैं, इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी सहायक प्रबंधक उद्योग। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन पदों पर भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 6 नवंबर रखी गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन जो है वो 10 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर रखी गई है। वहीं जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 26 दिसंबर रखी गई है। पेपर जो है वो मई में होगा। तो यहाँ पर दिया गया सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 35 पद हैं, छात्रावास अधीक्षक के 3 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 1 पद, समीक्षा अधिकारी के 2 पद, वहीं उत्तराखंड राजस्व परिषद में जो सहायक चकबंदी के 4 पद हैं और इसके साथ संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पद हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 292 पदों पर भर्ती निकल गई है। इसके साथ ही सुपरवाइजर के 34 पद हैं, सहायक स्वागती के 6 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद। देख सकते हैं बीडीओ बीपीडीओ दोनों पदों पर भर्ती निकल गई है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पद हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुल यहाँ पर 854 पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है। तो इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 24 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओटीआर व्यवस्था के पिछले 1 वर्ष के अनुभव से आयोग द्वारा इसे और सुगम व पूर्ण बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार किए गए हैं। अभ्यर्थियों का ओटीआर प्रोफाइल अब नए प्रारूप में हस्तांतरित किया गया है, अतः नए ओटीआर प्रारूप पर जाने के लिए अभ्यर्थी का यूजर नेम वही है, किंतु उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों पर ओटीआर के माध्यम से अपना नया पासवर्ड बनाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया ओटीआर के माध्यम से जो है ये फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, जैसे यहाँ पर सहायक समाज कल्याण के जो पद हैं इसमें 35 पद हैं, तो इसकी भी डिटेल दी गई है, अर्थाएँ यहाँ पर बताई गई हैं, तो शैक्षिक अर्थ यहाँ पर बताया गया है और ये देख सकते हैं इसमें वेतन भी बताया गया है 29,000 से 92,000 तक यहाँ पर मिलेगा। और लिखित परीक्षा में समान अंक वालों को ज्येष्ठता के जो अभ्यर्थी होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे छात्रावास के लिए है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी के भी है यहाँ पे पद, तो इसमें जो है इसमें पेपर के साथ साथ मतलब स्नातक के साथ साथ आपको कंप्यूटर और हिंदी टंगड़ंग के न्यूनतम 400 की प्रेषण प्रति घंटा की गति भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। इसमें वीडियो की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो वीडियो बीपीडीओ के पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो ये देख सकते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पहले बात करें तो इसमें 292 पद हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षिक अर्हता अनिवार्यता जो दी गई है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसमें लिया गया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी मांगा गया कि तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल की प्रमाण पत्र धारण भी हो। तो देख सकते हैं इसमें CCC भी मांगा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने CCC का यहाँ पर क्वालिफाई किया था वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में CCC भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं ग्राम विकास अधिकारी की बात करें केवल, तो 381 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर
तो इसमें दिया गया है समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, इसमें ट्रिपल सी की जरूरत नहीं, केवल इसमें आपका स्नातक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकार मान्यता प्राप्त के समक्ष होना चाहिए। तो इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, लेकिन जो ऊपर है उसमें ट्रिपल सी मांगा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म जैसे भरे जाएंगे हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो पूरी जानकारी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर जाकर के।